तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों? ऐसा कर रहा हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। और मैं बता दूं कि नानी घर आए मेरे 5 दिन हो गया दोस्तों। तो आज हम लोग निकल रहे हैं अपने घर और अभी का टाइम हो रहा है 9 बज रहा है दोस्तों। तो मेरा मानना है कि कम से 2-3 घंटा लगता है जाने में। तो अगर मैं 1 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा तो सारा ट्यूशन भी पकड़ा जाएगा दोस्तों। और अभी टाइम भी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है खास, 9 बज रहा है। तो चलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आप लोगों को, बस बने रहेगा हमारे ब्लॉग पे लास्ट तक। तो देख सकते हैं फाइनली यहाँ से पचरुकिया से मिल गया था बस। तो अभी दाऊनगर पहुँच गया हूँ और दाऊनगर से हो सके तो यहाँ से मोड़ पे जाने के लिए ऑटो मिलता है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से ऑटो कर लूँगा एक और डायरेक्ट जाके बारून में ऑटो रुकेगा वहाँ से, और बारून से फिर एक और ऑटो वहाँ से कर लूँगा जो कि डेयरी पूछा जाएगा। तो मैं बता दूँ कि बारून के अगर एरिया से मैं मतलब कि नहर के एरिया से जाता हूँ तो काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। तो मैं नहर के एरिया तरफ से निकल रहा हूँ और क्योंकि वहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है, और बारून से फिर डेयरी के लिए वहाँ से बारून से ऑटो मिलता है जो कि डेयरी के लिए, तो वहाँ से फिर ऑटो पकड़ लूँगा। सो देख सकते हैं अभी डेयरी पहुँच गया हूँ और ये देख सकते हैं इस बोरा में मिल चुका है हमें नानीगढ़ से, वहाँ से मिला था चूड़ा और तिलकुट, ये सारे चीज़ खाने पीने का मिल गया था। तो फाइनली दोस्तों अभी घर पे आ चुका हूँ और घर का माहौल तो आप लोग जानते ही हैं। अभी बस स्टैंड से डायरेक्ट उतरा और उतर के अभी घर पे जस्ट आया हूँ दोस्तों। तो चलता हूँ अभी अभी ट्यूशन पढ़ाने जाना है तुरंत, ट्यूशन के नहीं निकलेंगे। हालांकि 4 ट्यूशन है तो 4 ट्यूशन पढ़ाना है, तो अभी तुरंत ट्यूशन। तो फाइनली दोस्तों 3 ट्यूशन पढ़ा दिया, अब चलता हूँ, एक और ट्यूशन लास्ट बचा हुआ है और टाइम हो रहा है 5 बज रहा है। तो अभी एक और ट्यूशन पढ़ाने जाना है तो वो भी पढ़ा लेता हूँ दोस्तों। और मैं बता दूं कि ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही, कुछ कहा नहीं जा सकता, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है दोस्तों। क्योंकि मैंने घर पे टोपी नहीं पहना, अब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि टोपी तो पहनना ही पड़ेगा। तो कल से टोपी पहन के आना पड़ेगा ट्यूशन के लिए, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है दोस्तों। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की तरफ भी ठंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही कि नहीं पड़ रही, ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और फिलहाल अभी चलते हैं और दिखाएंगे आप लोगों को, बस बने रहिएगा हमारा ब्लॉग पे लास्ट तक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं सभी लोग यहाँ पे टोपी पहने हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो टोपी नहीं पहना हो या सर पे कुछ बांधा नहीं हो। सारे लोग सर पे मतलब टोपी और कुछ ना कुछ बांधे हुए हैं। और मैं फिलहाल ऐसे ही जा रहा हूँ तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है दोस्तों। कल से ज़रूर मैं टोपी पहनूंगा, इतनी ज़्यादा ठंड है कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग की तरफ भी ठंड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो फाइनली दोस्तों अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू। और अभी टाइम बता दूं दोस्तों, तो टाइम देख सकते हैं 6 बज गया है, काफ़ी रात भी हो गया दोस्तों। तो अभी फिलहाल चलते हैं घर पर और ठंडी तो आप लोग देखे ना कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो यहीं पर ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू।